सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और साथ में घंटी दबाना ना भूले ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। दोस्तों आज हम जिस झटका मशीन के बारे में बात करने वाले हैं, अगर वो झटका मशीन डायरेक्ट हो जाता है तो उससे कोई भी छोटे मोटे जो जीव है, प्राणी है, उसकी जान तक भी जा सकती है। तो जानिए ये फॉल्ट कैसे होता है और इसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। चलिए दोस्तों, ये टाइप का जो झटका मशीन है उसके बारे में मैंने अगले दो वीडियो में बात की है कि इसमें क्या प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसमें देखो, ये जो झटका मशीन है इसमें क्या प्रॉब्लम है मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए पहले मशीन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्टार्ट करके अब टेस्टर में हम पावर चेक करते हैं कि क्या होता है। तो आप देख रहे होंगे कि ये जो टेस्टर है वो कंटिन्यू चालू ही रहता है। इसका मतलब क्या है कि ये जो झटका मशीन है उसमें पावर कंटिन्यू हो रहा है। तो झटका मशीन में ऐसा है कि पावर ऑन ऑफ होना चाहिए, मतलब चालू बंद होना चाहिए। तो इसमें चालू बंद हो नहीं रहा है, इसलिए हमको दोस्तों आप ये झटका मशीन देख रहे होंगे कि इसमें हम ये जीरो का लैंप अगर लगाते हैं तो क्या होता है आप देख लीजिए। मैं पहले झटका मशीन को बंद करके ये अर्थिंग और पिन वाला पावर का टर्मिनल लगा देता हूँ, ठीक है। अब हम मशीन स्टार्ट करते हैं तो आप देख रहे होंगे कि ये जो जीरो का लैंप है वो कंटिन्यू स्टार्ट ही रहता है। तो इसको सही करने के लिए हमें ये जो पीसीबी है उसको रिपेयर करनी पड़ेगी। अगले वीडियो में आपको बताया है कि ये जो ट्रांसफॉर्मर का जो तीन टर्मिनल लगा होता है वहां पे आपको उसको निकाल देना है। चलिए हम निकाल लेते हैं। अब इसको निकालने के बाद हमको यहाँ पे वोल्टेज चेक करना, तो चलिए हम इसको विच पे रख के वोल्टेज चेक करते हैं। 2 साइड वोल्टेज कंटिन्यू हो रहे हैं। तो आपको क्या करना है, झटका मशीन को बंद कर देना है और ये जो 8 टांगे वाली जो आईसी है ये बदलने के बाद भी नहीं होता है, अगर पल्स नहीं होता है, तो आपको ये वाली जो है उसको भी बदल देना है। को बदलने के बाद झटका मशीन को स्टार्ट करके देख लेना है कि पल्स हुआ है कि नहीं हुआ है। तो चलिए हम देखते हैं, लाल वाला जो है वो बीच में और काला वाला साइड में। तो आप देख रहे हैं कि पल्स स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। और ये साइड भी देख लेते हैं, दोनों साइड ध्यान रखें, ये दोनों ही साइड एक जैसे सेम टू सेम वोल्टेज आने चाहिए, ज्यादा कम नहीं आने चाहिए। अगर ये ज्यादा कम आता है तो भी ये झटका मशीन में प्रॉब्लम रहता है। तो ये साइड जितना आता है और उनकी उल्टी साइड भी इतना ही वोल्टेज आना चाहिए, मतलब सेम टू सेम ही आना चाहिए। देखो ये सेम टू सेम हो गया है। अब हमको क्या करना है कि झटका मशीन को बंद करके ये जो ट्रांसफॉर्मर है उसका टर्मिनल दोबारा सोल्डर करके बाद में देख लेना है आउटपुट सही हुआ है कि नहीं हुआ, मतलब पल्स हुआ है कि नहीं हुआ है वो देख लेना। तो चलिए हमने ये लगा दिया है। अब झटका मशीन को फिर से स्टार्ट करते हैं और यहाँ पीछे हम टेस्टर से देखेंगे, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो पल्स है वो स्टार्ट हो गए। पहले क्या होता था, ये जो टेस्टर है वो कंटिन्यू चालू ही रहता था, तो हमने वो जो रिपेयरिंग किया सर्किट उसकी वजह से ये पल्स स्टार्ट हो गए। तो ऐसे ही इसको रिपेयरिंग करते हैं। और एक बात, हमारे पास एक जीरो का बल्ब भी है, उसको भी हम चेक करते हैं कि ऐसे भी कर सकते हैं हम। पहले झटका मशीन को बंद करके इसको लगाना है। तो हम अब देख रहे हैं कि हमने ये जो बल्ब है उसके साथ कनेक्शन किए हुआ है, ठीक है। और इसको यहाँ पे रख के
झटका मशीन को स्टार्ट करते हैं, तो आप देख रहे हैं कि ये जो बल्ब है वो भी चालू बंद हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे ये झटका मशीन है वो रिपेयर